तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन का XM मॉडल, और अभी हाल ही में ही टाटा नेक्सॉन का एक XM का सनरूफ वाला वेरिएंट भी लॉन्च हो गया है, जिसे कि XMS के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको टाटा नेक्सॉन XM वेरिएंट का वीडियो देखना है तो इसी वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और अगर आपको टाटा नेक्सॉन के XM में सनरूफ वाले वेरिएंट का वीडियो देखना है तो मैंने उस वीडियो को भी बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा टाटा नेक्सॉन XM सनरूफ वाले वेरिएंट का। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's फोटोग्राफी। तो अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी के चाबी से। तो ये देखते हैं गाड़ी की चाबी, जो कि एक फ्लिपेबल की है, और पीछे है टाटा का लोगो, और इसमें आपको तीन बटन्स मिलते हैं, लॉक, फॉलो मी होम लैंप एंड अनलॉक का। तो अभी मैं इसे एक्सेस करके दिखाता हूँ कि इसका लॉक बटन दबाने से, ये देख सकते हैं, दो बार लाइट जो है ब्लिंक होती है, और अनलॉक बटन दबाने से एक ही बार इसकी लाइट जो है ब्लिंक होती है। और इसके फॉलो मी होम लैंप को भी दिखा देता हूँ, इसे आप प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं इसके LED DRLs और जो प्रोजेक्टर हेड लैंप है, जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलता है, वो ऑन हो जाते हैं और इसे दबाने से ऑफ हो जाते हैं। ये रात के वक्त काफ़ी काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी में मिलने वाले वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको टोटल चार मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जो है XE, XM, XZ, XZ Plus। इसमें पहले XT आया करता था, अब वो XT नहीं आता। और बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस मॉडल XE को छोड़ करके ऊपर के सारे मॉडल्स में है, जैसे कि XM, XZ एंड XZA+। इन तीनों ही वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाया करेगा। और अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की। तो भी आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन का XM मॉडल, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.84 लाख रुपीज़। और अगर आप XM डीजल लेते हैं तो डीजल का एक्स शोरूम प्राइस है 9.20 लाख रुपीज़। और अगर आप इसका सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हैं XMS पेट्रोल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,36,000 रुपीज़ का, और XMS डीजल लेते हैं तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,70,000 रुपीज़ का। तो इस नॉर्मल मॉडल के ऊपर में अगर आप सनरूफ वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 50,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी बेहतरीन पैकेज आपको प्रोवाइड किया है टाटा की तरफ से। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो इसमें आपको मिलता है एक रेवोट्रॉन 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, विच जनरेट्स 118 BHP ऑफ पावर एट 5,500 RPM एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क एट 1,750 RPM, विच इज़ मेटेड टू अ 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स एंड इज अ BS6 compliant पेट्रोल इंजन whose mileage is 17.4 km per liter। और अब बात करते हैं इसके डीजल इंजन की। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और इसमें 4 सिलेंडर, और ये टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, और ये जनरेट करता है 108 BHP ऑफ पावर एट 4,000 RPM एंड 260 Nm ऑफ टॉर्क एट 1,500 RPM। और इसमें भी आपको 6-speed का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, और इसके डीजल इंजन भी BS6 कंप्लाइंट है, जिसका माइलेज है 22.4 किलोमीटर पर लीटर तक का। और शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LED DRLs विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, जो कि आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक देखने को मिल जाएगा। इसके जो LED DRLs है वो काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं रात के टाइम पे। और ये एक और लैंप मिलता है यहाँ पे आपको,
और इस गाड़ी की बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और भी काफ़ी सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये देख सकते हैं फ्रंट पे आपको बम्पर पे इसके ट्राई एरो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, और ए पिलर ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा आपको, और ये मैट ब्लैक कलर का है इसका ORVM, और वाइट कलर की बॉडी लाइन भी देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं लॉक करेंगे तो ये फोल्ड होता है और अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाता है, और ये फीचर आपको XM में ही से मिलना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन एंड प्रीमियम फीचर है। और बात करें टायर्स की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 195/60 R16 inches के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स विथ व्हील कैप्स एंड ब्लैक कलर रिम्स, और टाटा नेक्सॉन पे आपको टाटा प्रोवाइड करती है 2 ईयर्स या फिर 75,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी, और पूरी गाड़ी में आपको साइड बॉडी क्लैडिंग मिलती है जो कि काफ़ी रोबस्ट लुक देता है इस कॉम्पैक्ट साइज SUV को, और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया 209 mm का, और इस गाड़ी की लेंथ है 3993 mm, और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर्स का, और ये क्लैडिंग देख सकते हैं शुरू से लेकर के पूरे आखिरी तक जाती है, और डोर मोल्डिंग भी मिल जाते हैं आपको ब्लैक कलर में। तो ये कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज जो हैं आपको गाड़ी में ही लगे हुए मिल जाते हैं फिटेड, और ये वाइट कलर की विंडो लाइन, और ऊपर पे ये रूफ रेल्स देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया दिखती है इस रूफ रेल की वजह से ये कॉम्पैक्ट साइज SUV, और ये देख सकते हैं डोर हैंडल्स जो कि बॉडी कलर नहीं है, इसमें आप क्रोम लगवा सकते हैं, और ये स्पॉइलर देख सकते हैं रियर एंड पे विथ इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और ये एंटीना, इसमें आपको कोई भी वाइपर एंड डिफॉगर नहीं मिलेगा, और ये ओवरऑल रियर फेशिया टाटा नेक्सॉन का, और यहाँ पर टाटा का लोगो, उसके नीचे नेक्सॉन की ब्रांडिंग, और इसका जो टेल गेट है उसे आपको पीछे से ओपन करते नहीं बन पाएगा, अंदर से ही एक बटन दिया गया है, सिर्फ उसी के थ्रू आप इसके टेल गेट को रिलीज कर सकते हैं, और ये बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, और इसका डिज़ाइन ऑल न्यू है बम्पर का, काफ़ी रोबस्ट लुक देता है रेयर से भी, और यहाँ पर आपको एक ये देख सकते हैं शेर का जो स्टिकर है वो मिल जाता है यहाँ पे, सॉरी शेर नहीं, ये शायद जैगुआर हो या फिर जो भी आप इसे कह लें, तो कुछ छोटे छोटे जो टचेस इसमें दिए हुए हैं, और इसे अनलॉक करते हैं और यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको ओपन करने का नहीं मिलता है बटन वगैरह, आपको अंदर से ही इसे ओपन करना होगा। तो अंदर चलते हैं फिर दिखाता हूँ इसके प्रीमियम इंटीरियर्स, तो ये देख सकते हैं ऑल ब्लैक इसके इंटीरियर्स, नीचे में आपको एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, और ये देख सकते हैं कंट्रोल पैनल्स, ऑल 4 पावर विंडोज़ और विंडोज़ लॉक एंड अनलॉक के बटन, विंडो लॉक एंड अनलॉक का बटन, और ये डोर हैंडल, और ये ट्विटर के लिए एरिया, और ये अम्ब्रेला होल्डर, और उसके नीचे स्टोरेज एरिया, और यहाँ पर स्पीकर के लिए स्पेस दिया गया है, और ये रही गाड़ी की चाबी जिसे कि हम एक बार ऑन कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको वाइट कलर की एल्यूमिनेशन लाइट देखने को मिलेगी जो कि रात के टाइम पे काफ़ी काम आएगा, और इसे ऑन करके दिखाता हूँ, देखिएगा वेलकम फीचर, तो ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन एंड प्रीमियम दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जब आप ऑन करेंगे, और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है इसमें आपको, जैसे कि आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। और ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल ORVM, और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अंदर से ही, ये फीचर आपको XM मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। और ये रहे इसके पैडल्स, साइड में आपको छोटा सा डैड पैडल भी देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं स्टोरेज एरिया, और ये इसका हुड ओपन करने का लीवर, और यहाँ पर पेट्रोल लीड ओपनर, और टेल गेट ओपन करने के लिए आपको एक बटन मिलता है, और ये सीट रिक्लाइन करने का लीवर,
और ये देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन की प्रीमियम सीट्स, फ्रंट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और लोअर बैक सपोर्ट, अंदर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है। सॉफ्ट कुशन है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है और ये एसी के वेंट्स और इसके एसी का भी जो ठंडा करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जल्दी कूल कर देता है कैबिन को इसका एसी भी। और ये देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, ये देख सकते हैं। और ये आता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। और ये राइट साइड पे हेडलैम्प का टॉगल, राइट साइड पे वाइपर का टॉगल। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जिसमें कि लेफ्ट साइड पे इसका टैकोमीटर है और सेंटर पे काफ़ी बड़ी सी MID डिस्प्ले है जिसमें कि शो होता है 2 trip meter एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। और ये देख सकते हैं ये इसका 3 driving modes, यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्ट मोड, फिर मैं इसे घुमाऊँगा तो अब इको मोड आएगा, ये देख सकते हैं इको मोड। और एक और मोड है जो है सिटी मोड, ये देख सकते हैं। और डोर ओपन है वो यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन शो होता है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन। और यहाँ से आप टिल्ट एडजस्ट करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील को, इस लीवर को नीचे करके। तो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी काफ़ी सारे ज़रूरत के फीचर्स देखने को मिलेंगे। और ये है इसका डैशबोर्ड जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलता है। और ये रहा इसका ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डीप एरिया है, काफ़ी गहरा दिया गया है इसमें स्पेस आपको। और इसमें भी एक शेयर बना हुआ है इसके ग्लव बॉक्स में, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें छोटे मोटे पॉकेट होल्डर्स दिए गए हैं और बॉटल होल्डर भी दिए गए हैं इसमें, देख सकते हैं। सॉरी, बॉटल होल्डर नहीं है, वो शायद कप होल्डर होगा। और कॉइन होल्डर भी है, पेन होल्डर भी है इसमें। तो इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसके डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स की। छोटे छोटे स्पेसेस उसमें दिए गए हैं, कभी होल्स वगैरह। और ये सनशेड जिसमें कि वैनिटी मिरर मिल जाता है को पैसेंजर साइड। और यहाँ पर भी सनग्लास होल्डर दिया गया है। और ये माइक और ये लैम्प, रीडिंग लैम्प जो कि वाइट कलर की है, LED लाइट, काफ़ी बेहतरीन लगती है। ड्राइवर साइड सनशेड में वैनिटी मिरर नहीं है। और इसका देख सकते हैं IRVM जिसमें कि सिर्फ डे डिमिंग फंक्शन है, नाइट डिमिंग फंक्शन नहीं है। और ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। और ये बटन इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और ये डायल्स। और इसमें आपको 4 speakers मिलेंगे हार्मन कार्डन सिस्टम के जो कि JBL के हैं। और इसमें आपको काफ़ी सारी गाड़ी के इसमें आपको म्यूज़िक प्लेयर के फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्लूटूथ, USB, AUX, FM और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। और गाड़ी के जो हेडलैम्प है उससे भी रिलेटेड फीचर्स दिए गए हैं इसमें। और ये देख सकते हैं इसके बटन्स जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और हज़ार लाइट का स्विच सेंटर पे। और ये रहा इसके AC के कंट्रोल्स, मैनुअल AC मिलता है आपको XM में विथ सिल्वर कलर क्रोम ट्रीटमेंट्स। और ये इसका यहाँ पर आपको AUX एंड USB का कनेक्टिविटी मिलता है जिससे कि आपको एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा कंजेस्टेड फील होगा यहाँ पे। और यहाँ से आप ओपन करेंगे इसके टेल गेट को, मैं इसी बटन की बात कर रहा था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज मिलता है और ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया 6 gears मिलते हैं इसमें। और ये है इसके ड्राइविंग मोड्स, 3 driving modes मिलेंगे, स्पोर्ट, इको एंड सिटी। और उसके पीछे ये कभी होल, और ये रहा हैंड ब्रेक, और उसके पीछे और स्टोरेज एरिया है। और चलते हैं रियर सीट में, फिर दिखाता हूँ रियर कैबिन स्पेस। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया बजट के साथ आती है टाटा नेक्सॉन। और ये देख सकते हैं पैसेंजर डोर जिसमें कि बॉटल होल्डर मिल जाता है और नीचे स्पीकर, और ये ट्विटर के लिए एरिया, और पावर विंडो का बटन। और ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, हालांकि वो फिक्स्ड हेडरेस्ट है। और ओवरऑल स्पेस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है। और जो फ्लो हम्प होता है पैनल वो भी दबा हुआ है नीचे, और लगभग 1 feet का मुझे स्पेस मिल रहा है यहाँ पर लेग रूम। और फ्रंट सीट जो है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। और स्टोरेज एरिया रियर पैसेंजर्स के लिए। और ये ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक। और अब चलते हैं पीछे, फिर दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। तो बटन मैंने दबा दिया था पहले ही, तो इसका टेलगेट खुला हुआ है
वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिलता है, हालांकि पार्सल ट्रे नहीं मिल पाती है और ये लगेज लैम्प मिलता है, और ये पार्सल ट्रे के लिए हुक दिया है तो आप आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे इसमें लगा सकते हैं। और ये रहे हुक और ये रहा लगेज लैम्प, और ओवरऑल इसमें आपको 350 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है, और इसके रियर सीट जो है फ्लैट फोल्डिंग सीट है, और ये इसके स्पेयर व्हील और टूल किट्स। अगर आप इसकी रियर सीट को फोल्ड कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा।